गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद योगी सरकार पर लगातार हमलावर रहने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार को आड़े हाथ ले लिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे ये आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी, साथ ही उसके मोबाइल की CDR सार्वजनिक करे जिससे सच्ची मिली भगत का भंडाफोड़ हो सके। ये पहला मौका नहीं है जब सपा प्रमुख ने गैंगस्टर विकास दुबे के मोबाइल की CDR सार्वजनिक करने की मांग की है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने योगी सरकार को यह चुनौती दी थी, लेकिन योगी सरकार की तरफ से इस चुनौती को स्वीकार करना तो दूर, इस पर पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। अब ये सवाल खड़ा होता है कि विकास दुबे के फोन जांच में ऐसा कौन सा राज छिपा है जो अखिलेश यादव दुनिया के सामने लाना चाहते हैं? क्या ये राज योगी सरकार की मुसीबतों को बढ़ा देगा या सरकार को अपने दामन पर दाग लगने का डर सता रहा है? खैर जो भी हो, लेकिन हम तो सूबे के मुखिया से यही उम्मीद करते हैं कि माफिया विकास दुबे के राजनीतिक रिश्तों को लेकर जितनी भी अटकलें लगाई जा रही हैं, उस पर योगी जी पूर्ण विराम जरूर लगाएंगे। भले विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर योगी की पुलिस विफल रही, लेकिन अब माफिया के आत्मसमर्पण के बाद उससे और उससे जुड़े राजनीतिक और प्रशासनिक तारों पर जो भी कनेक्शन है उसका काला चिट्ठा योगी सरकार जरूर खोलेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।